Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. In our yesterday class, we have started the chapter of managing account receivable. Account receivable को manage करने के लिए जो theory थी वो हम लोग पढ़ चुके थे. For today's class, we are going to discuss its numerical questions. ठीक है. अच्छा, अगर हम numerical questions के बारे में बात करें तो हम इसको start करूँगी मैं exercise 8-4 से. एक्सरसाइज 8-4 का कुछ पोर्शन जो है वो ब्लर्ड है. उसके लिए मेरे पास जो हैंड आउट्स मौजूद हैं, मैं वहाँ से उन लाइन्स को बोलूँगी. आप लोग उसको बहुत गौर से सुनिएगा. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से उस पेज को क्लिक करके आपको अगेन जो है वो सेंड कर दूँगी. ठीक है. अच्छा, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम एक्सरसाइज 8-4. वो कह रहे हैं द क्रेडिट मैनेजर ऑफ द ओलंपिक स्पोर्टिंग वर्ल्ड्स हैज गैदर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज अकाउंट रिसीवेबल एंड क्रेडिट लॉसेस. ठीक है. वो कहते हैं कि कंपनी के जो अकाउंट रिसीवेबल थे, मतलब जो वो उधार चीज़ें बेचते थे और अकाउंट रिसीवेबल वहाँ से जनरेट होते थे वो, एंड क्रेडिट लॉसेस और वहाँ से जो उनको क्रेडिट लॉस होता था ड्यूरिंग द करंट ईयर, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज टेलिंग अबाउट योर द नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर. नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर का जो आंसर है दैट इज 3 मिलियन. ठीक है. उसका जो मतलब यहाँ पे जो आंसर आपको ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा, दैट इज 3 मिलियन. 3 मिलियन इसका आंसर है 30 लाख रुपए. अकाउंट रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर जो अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास मौजूद है दैट आर 3,60,000. ठीक है. 3,60,000 के नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल. अच्छा, यहाँ ये सेल्स थी ये अकाउंट रिसीवेबल से. ये अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है ये बैड डेट्स है, मतलब ये वो वाला पोर्शन जो रिकवर नहीं हो सकेगा. इसके बारे में जो फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं वो कहते हैं एक्चुअली रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो अनकलेक्टेबल है उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि एक्चुअली हम लोग राइट ऑफ कर चुके हैं. राइट ऑफ कर चुके होने का मतलब है कि हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये पैसे अब रिकवर नहीं होंगे, ये बैड डेट्स हो चुके हैं. ये बैड डेट्स को हम अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस भी कहते हैं. ठीक है. तो वो अमाउंट आपके पास कितनी चली गई है, $43,650. ठीक है. नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं एस्टिमेटेड पोर्शन ऑफ द ईयर एंड रिसीवेबल्स एक्सपेक्टेड टू प्रूव अनकलेक्टेबल पर एजिंग स्केड्यूल. वो कहते हैं हमने एजिंग स्केड्यूल को यूज़ किया. आपको याद है हमने डिस्कस किया था एजिंग स्केड्यूल होता है और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच होती है. वो कह रहे हैं एजिंग स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने खुद से, हमें वो कैलकुलेट करने के लिए नहीं कह रहा फिलहाल इस क्वेश्चन में. वो कह रहे हैं एजिंग स्केड्यूल को यूज़ करते हुए हमने जो कैलकुलेट किया तो एस्टिमेटेड पोर्शन ऑफ द ईयर एंड रिसीवेबल्स एक्सपेक्टेड टू प्रूव अनकलेक्टेबल. अगर गौर से उसकी बात सुने ना तो वो कहता है कि ये पोर्शन हम लोगों ने एजिंग स्केड्यूल को यूज़ करते हुए एस्टिमेट किया है कि इस साल ये एक्चुअली रिटर्न ऑफ का मतलब है एक्चुअली ये बैड डेट्स हो चुके हैं. ठीक है. जो नेक्स्ट वो कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं एस्टिमेट किया हम लोगों ने एजिंग स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली और फिर हम कह रहे हैं कि इस अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली एस्टिमेटेड पोर्शन ऑफ द ईयर एंड इस साल ईयर एंड पे रिसीवेबल्स एक्सपेक्टेड टू प्रूव अनकलेक्टेबल. वो वाले रिसीवेबल्स जो कि अनकलेक्टेबल हो सकते हैं एज पर एजिंग स्केड्यूल वो कितने हैं, वो $18,000 के हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट अब आपसे जो बात करें, नेक्स्ट बात करें प्रिपेयर वन जर्नल एंट्री. वो कहते हैं जर्नल एंट्री जो है ना वो आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है समराइजिंग द रिकग्निशन ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट्स. वो कहते हैं समराइजिंग द रिकग्निशन ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट्स के को रिकग्नाइज करते हुए कि अनकलेक्टेबल अकाउंट्स कितने हैं, उनमें से कितने कलेक्ट हो सकते हैं, कितने जो है वो राइट ऑफ हो चुके हैं. आप लोगों ने एक कदर जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है. अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस फॉर द इंटायर ईयर, पूरे साल के लिए, अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असम्पशंस. नीचे जितने भी इंडिपेंडेंट असम्पशन, ये सारे इंडिपेंडेंट असम्पशन है ए बी और सी, इसके मुताबिक आपने एक जर्नल एंट्री जो है वो उसको बतानी है. आगे जी आपसे कहते हैं कि अब पॉइंट नंबर ई पे आ जाओ. पॉइंट नंबर वन में जो उसने आपको बताया हुआ है इंडिपेंडेंट असम्पशन नंबर वन में ही सही अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस. अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस इज एस्टिमेटेड एट एन अमाउंट इक्वल टू 1.5% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स. वो कहते हैं अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस. देखो उसने पहले एजिंग स्केड्यूल की बात की थी ना, यहाँ पे वो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के मुताबिक बात कर रहे हैं. वो कहते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच को अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस इज एस्टिमेटेड टू बी एट एन अमाउंट इक्वल टू 1.5% ऑफ द नेट क्रेडिट सेल्स. वो कहते हैं यानी कि जितनी हमारी नेट क्रेडिट सेल्स मौजूद है ना, उसका जो 1.5% है वो आपके पास कितना होना चाहिए, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस में जाना चाहिए.
मतलब ये उन्होंने एस्टिमेट लगाया पिछले साल के हिसाब से कि पिछले साल जितनी हमारी सेल्स हुई थी ना उसका 1.5% हमें लॉस हुआ था, तो कहते हैं इस साल भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1.5% ही हमारा जो है वो लॉस होगा। अच्छा अभी जो 1.5% लॉस की बात कर रहा है, अब हमने तो बनानी है जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री के लिए सिंपल सी बात है, करना क्या है, ये देखो 1.5% है ना सेल्स आपके पास, उसने आपको यहाँ पे बताई थी ये थी 3 मिलियन, ठीक है, मतलब 30 लाख रुपए की आपकी सेल्स है, 30 लाख की सेल्स का 1.5% ले आपके पास अमाउंट आ जाएगी कि आपने अलाउंस कितना क्रिएट करना है। अलाउंस क्रिएट करने की एंट्री मैंने आप लोगों को पहले बता दी हुई थी, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस को डेबिट करके अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, एंट्री तो आप लोगों को पहले से याद है। अच्छा अब अमाउंट कौन सी आएगी, मसला ये है, देखो यहाँ पर दो इशूज हैं, उसने कहा एक्चुअली राइट ऑफ कितने हुए थे 43,650, यहाँ पर एस्टिमेट कितने हैं 18,000 है, यहाँ पर वो आपको एक एस्टिमेट नया बता रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस इज एस्टिमेटेड टू बी द अमाउंट इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1/2, ठीक है, मतलब एक बटा दो, मतलब 1 1 1/2 का मतलब है कि एक पूरा है, एक 1 1 फुल और 1/2 की फ्रैक्शन, इसका मतलब 1.5 है वो। तो इन एक्चुअल अगर हम इसको चेक करते हैं तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने का देखो अब सॉल्व पता है किस तरह से होगा बेसिकली। अच्छा सबसे पहले तो गिवन गिवन इन्फॉर्मेशन में तो नेट क्रेडिट सेल्स हमारे पास कितनी थी 3 मिलियन की थी। अगर हम अपने अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है जो हमें वो ईयर एंड इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये वाली अमाउंट 43,650, ये तो बैड डेट्स हो गए, ठीक है, उसने मतलब जब हम बैड डेट्स करते हैं तो हमने जनरल एंट्री की थी कि हम बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल को क्या करते थे, क्रेडिट कर देते हैं। अकाउंट रिसीवेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस बता रहे हैं वो हमें बता रहे हैं 3,60,000 है, 3,60,000 में से 43,650 हमारे पास क्या हो चुके हैं, हमारे पास बैड डेट्स हो चुके हैं। लेकिन यहाँ तक ये एडिशनल चीज़ें थी जो हमने की हैं, अब जो काम की चीज़ है ना वो देखो ज़रा, वो कहते हैं एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल। अब जो है अनकलेक्टेबल अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल या फिर बैड डेट्स, एक ही चीज़ के दो नेम है, ऑल्टरनेटिव नेम है, ठीक है। अब जब हम अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल को मैयर करते हैं तो वो कहता है, उसने कहा था कि वो 1.5% है आपकी सेल्स का, ठीक है, सेल्स हमारे पास कितनी थी 3 मिलियन, हमने उसका ले लिया 1.5%, 1.5% लिया तो हमारे पास अमाउंट अब कितनी आ गई, हमारे पास अमाउंट आ गई $45,000, ठीक है, इस टाइम हमारे पास रिजर्व के अंदर, ठीक है, इस टाइम हमारे पास रिजर्व के अंदर या इस टाइम हमारे पास अलाउंस के अंदर कितने पैसे मौजूद होने चाहिए हमारे पास इस टाइम क्लोजिंग क्लोजिंग टाइम के, ये क्लोजिंग टाइम जो है ना क्लोजिंग टाइम में हमारे पास अलाउंस के अंदर $45,000 मौजूद होना चाहिए, ठीक है, 3 लाख का 1.5% या 45,000। अब यहाँ पर जब हम अपना ये बनाते हैं ना टी अकाउंट बनाते हैं जिस तरह से हम लोग उसको 3 कॉलम अकाउंट बनाते हैं, अब 3 कॉलम अकाउंट में उसी तरह से डेट आ जाती है, एक्सपेंस आ जाता है, रेफरेंस नंबर आ जाता है, डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम और फिर बैलेंस का कॉलम आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो 45,000 है ना, ये 45,000 यहाँ बैलेंस में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा ऑलरेडी जो एक्सपेंस हो चुके हैं बैड डेट्स के, बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है ना, बैड डेट्स हमारे डेबिट होते हैं, तो बैड डेट्स कि वैसे भी जब हम जनरली एंट्री करते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट के लिए तो हम लोग ये कहते हैं बैड डेट्स 6 मंथ्स डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो ये जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट है ये डेबिट होता है बैड डेट की वजह से। अब बैड डेट्स ऑलरेडी कितने हो चुके हैं 43,650 के, ऑलरेडी 43,650 के बैड डेट्स जो है वो हो चुके हैं, तो ये हमारे पास बैलेंस में भी इस टाइम कितना 43 ये डेबिट बैलेंस में आ जाएगा। अच्छा अलाउंस फॉर डाउटफुल इस टाइम जो क्लोजिंग हमें रिजर्व चाहिए वो कितना है 45,000। अगर हम इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करें कि और हमने इतनी अमाउंट में अलाउंस क्रिएट करना है जिसमें हमारा ये 43,650 भी हमारा कॉम्पनसेट हो जाए और ये 45,000 हमारे पास बच भी जाए, तो अलाउंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे, 45,000 प्लस दिस 43,650 दोनों को ऐड करेंगे, तो इस टाइम जो अलाउंस क्रिएट होगा वो कितनी अमाउंट से होगा 88,650। ये देखो अब जब अलाउंस क्रिएट करने की एंट्री करोगे आप अपने पास, आप एंट्री क्या करोगे, आप करोगे अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल एक्सपेंस या बैड डेट्स एक्सपेंस, ठीक है, दोनों ऐसे जो भी नाम यूज़ करेंगे सेम आएगा, अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल एक्सपेंस डेबिट और उसके लिए अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट वो कितना वो क्रेडिट हो जाएगा। अब अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ है 88,650 के साथ। अब 88,000 अब ये देखो एक्चुअली होना पता क्या था, 88,650 के साथ ये अलाउंस हमारे पास मौजूद होता, हम उसमें से ये 43,650 के जो राइट ऑफ हो गए राइट ऑफ करते
और 45,000 हमारे पास बैलेंस बचता। क्वेश्चन की जो सिचुएशन है वो ये है, जो आपको सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा है ना, उसने आपसे कहा था अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस इज एस्टिमेटेड टू बी एन अमाउंट इक्वल टू 1.5% ऑफ द नेट सेल्स। तो नेट सेल्स का जब हमने 1.5% लिया तो वो आया 45,000, ठीक है। तो 45,000 तो क्लोजिंग है, वो तो इसके इस वो कहते हैं जो क्लोजिंग इस टाइम बैलेंस है, अगर हम सोचें कि जी ये बैड डेट्स हो गई हैं, ये अलाउंस है, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे फिर तो सिर्फ 2,000 बचेगा हमारे पास, कोई 2,000 भी पूरा नहीं होगा, ठीक है, 1,350 के करीब अमाउंट होगी। वो ये बात नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं क्लोजिंग के टाइम पे आपके पास 45,000 का अलाउंस बचना चाहिए। अब 45,000 का अलाउंस भी बचना चाहिए, ऑलरेडी इतने बैड डेट्स पहले हो भी चुके हैं जो हमें राइट ऑफ करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करके इस अमाउंट की इस क्रेडिट, क्योंकि अलाउंस जब भी क्रिएट होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा। मैंने आपको बताया था जो अलाउंस वो डाउटफुल अकाउंट है ना, दैट इज कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। और वो कॉन्ट्रा एसेट कौन सा, अकाउंट रिसीवेबल। जैसे कोई भी एसेट है ना, लैंड है, उसका लैंड है या बिल्डिंग है या फर्नीचर है, तो उसका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्या होता है, उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसी तरह से जितने भी ये होंगे आपके पास, नोट्स रिसीवेबल होंगे, अकाउंट रिसीवेबल होंगे, उनके कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट क्या होंगे हमारे पास, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, ठीक है। जो अलाउंसेस क्रिएट करने हैं, प्रोविजंस क्रिएट करनी है, वो उनके कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होंगे। तो यहाँ पर जो एस्टिमेट था वो 45,000 का था। अब अगर हम चाहते हैं कि क्लोजिंग में 45,000 आए, तो ऑलरेडी उसमें से ये अमाउंट तो माइनस होनी ही होनी है। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके इस टाइम जो अलाउंस है वो 488,650 का क्रिएट कर लिया जाए, जिसमें से ये अलाउंस ऑलरेडी माइनस हो जाए और क्लोजिंग बैलेंस में हमारे पास $45,000 बच जाए, ठीक है। तो ये जो अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल एक्सपेंस जो उसने जनरल एंट्री उसने बेसिकली मांगी हुई है, वो हमने कितनी से करनी है, 88,650 से, और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट है वो भी 88,650 से क्रेडिट हो जाएगा। अब 88,650 हमने क्यों लिया है, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको ये टेबल बनाकर दिखाया है कि देखो इतना तो पहले से राइट ऑफ होना ही होना था, इतनी हमें मज़ीद वो चाहिए। तो हम जो हम अलाउंस क्रिएट करेंगे वो हम इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करके फिर अलाउंस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपसे कहते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। बी पोर्शन के अंदर कहते हैं अनकलेक्टेबल अकाउंट। अब यहाँ से ऊपर से देख लेते हैं ज़रा बी पोर्शन की रिक्वायरमेंट क्या थी। सॉरी सेकंड फाइल पे जाना है। यहाँ देखो, यहाँ बी पॉइंट में कहते हैं अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस इज रिकग्नाइज, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस इज रिकग्नाइज बाई एडजस्टिंग द बैलेंस इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट टू द अमाउंट इंडिकेटेड इन द ईयर एंड एजिंग स्केड्यूल। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि जो अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस है ना, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस इज रिकग्नाइज बाई एडजस्टिंग द बैलेंस इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। वो कहते हैं कि हम लोगों ने जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट के अंदर हमारे पास पैसे पड़े हुए थे ना, अब अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट के अंदर अभी देखना, वो उसने यहाँ पे बताया हुआ था, ये देखो एस्टिमेटेड पोर्शन ऑफ द ईयर एंड रिसीवेबल्स एक्सपेक्टेड टू प्रूव अनकलेक्टेबल पर एजिंग स्केड्यूल। पर एजिंग स्केड्यूल अमाउंट जो उसने कितनी रखी हुई थी, वो कितनी रखी हुई थी, 18,000 की। ऑलरेडी जो उसने प्रोविजन रखी हुई थी वो कितनी रखी हुई थी, 18,000 की प्रोविजन उसने रखी हुई थी। अभी आपको अपनी ये अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस इज रिकग्नाइज बाय एडजस्टिंग द बैलेंस इन द अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट टू द अमाउंट इंडिकेटेड बाय द ईयर एंड एजिंग स्केड्यूल 15,000। अच्छा, वो यहाँ पे कह रहे हैं टू द अमाउंट, यहाँ पे कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। वो यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट आगे ये वाली लाइन को कंप्लीट कर रहे, कहते कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर अपॉन द बैलेंस इन द अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट। कहते कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द बैलेंस इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। वो कहते हैं आपने कंसीडर करना इस इफेक्ट को भी कि आप लोगों ने जो अमाउंट है ना वो राइट ऑफ किए हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में से, ठीक है। अब आपने बेसिकली उसने आपको यहाँ पे दोनों सारी जो है वो सिचुएशंस बता दी हैं। एक तो उसने कहा अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस इज रिकग्नाइज, उसको आपने रिकग्नाइज करना है बाय एडजस्टिंग द बैलेंस इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट।
टू द अमाउंट इंडिकेटेड इन द ईयर एंड एजिंग स्केड्यूल. वो कहते हैं कि आपने जो ईयर एंड एजिंग स्केड्यूल के मुताबिक जो आपने आपके पास अमाउंट मौजूद थी उसके अंदर आपने उसको एडजस्ट करना है. द बैलेंस इन द अलाउंस अकाउंट एट द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर, उसका जो अलाउंस का था बिगनिंग ऑफ द ईयर के अंदर, मतलब अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें ना, देखो क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था एस्टिमेटेड पोर्शन ऑफ द ईयर एंड रिसीवेबल एक्सपेक्टेड टू प्रूव टू बी अनकलेक्टेबल पर एजिंग स्केड्यूल 18,000. ठीक है, वो कहता है कि कह रहे हैं एस्टिमेशन ये यूज़ करो. और इसी के बारे में उसने ये कहा था कि ईयर स्टार्ट के ऊपर, यहाँ पे उसने कहा था बैलेंस इन द अलाउंस अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर वॉज 15,000. मतलब देखो ना, ऐसी बात जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसने कहा था कि 45,000 इस टाइम वहाँ पर अलाउंस अकाउंट में मौजूद होने चाहिए. पिछले साल के राइट ऑफ करके इस साल हमने कितने बचाए, 45,000. वो ही 45,000 अगले साल के लिए क्या बन जाएंगे, ओपनिंग बन जाएंगे. यहाँ पर वो आपको ये बता रहा है, कहते हैं आप जो एजिंग स्केड्यूल के मुताबिक उसने कैलकुलेट किया हुआ है ना, उस पोर्शन को यूज़ करो. और उस पोर्शन को यूज़ करने के बाद यस, तो वो यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि उस पोर्शन को यूज़ करें. और उस पोर्शन को मतलब जो वहाँ पर ऑलरेडी मेजर्ड हुआ हुआ था 18,000 का, लास्ट में तो उसने बता दिया था ना इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि 1.5% के हिसाब से आप उन्हें उसको क्लोज करना है. यहाँ पे कहते हैं कि उसको मैनेज कर लो और 15,000 जो है वो उसका ओपनिंग बैलेंस में मौजूद है. कहते कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अपॉन द बैलेंस इन द अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट, और उसके डाउटफुल अकाउंट के ऊपर आपने उसका इफेक्ट भी कंसीडर करना है. ठीक है, अब अगर आप हम उसका उस सोल्यूशन देखते हैं, तो सोल्यूशन में देखो जरा बी में वो आपसे कह रहे हैं ऑलरेडी बैलेंस में हमारे पास कितने अमाउंट मौजूद थी, हमारे पास पैसे मौजूद थे 15,000. ठीक है, ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस उससे बताया ना कि 15,000 मौजूद है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 15,000 मौजूद था. इस पर हम लोग को बैड डेट कितने हो गए, 43,650 के. ठीक है, अब वो जो 14,650 के हमारे पास वो बैलेंस में आ गए हैं. अब देखो ऑलरेडी 15,000 पड़े हुए थे, 43,650 का जो था हमारे पास वो था वो उस टाइम बैड डेट्स. ओके, अब अगर हम इस बैड डेट्स में से माइनस करते हैं तो इसका मतलब है 28,650 ये माइनस का बैलेंस चला गया. ठीक है, हमने प्रोविजन क्रिएट की थी 15,000 की, बैड डेट्स हो गए 43,000 के. अब 43,000 के बैड डेट्स हो गए तो ये तो नुकसान हो गया. ठीक है, अब जब इतने ज़्यादा उसकी वहाँ पर मौजूद होने की वजह से नुकसान हो रहा है, अब देखो ये तो यहाँ तक इसका मतलब है कि हमें इस इतनी अमाउंट की प्रोविजन और मजीद क्रिएट करनी पड़ेगी. ठीक है, वो जो प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे वो क्रेडिट साइड पे चली जाएगी, क्योंकि जैसे एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है ना, तो कॉन्ट्रा एसेट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है. ये हमने पहले भी देखा है, अगर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है तो अलाउंस फॉर अकाउंट रिसीवेबल जो हम लोग क्रिएट करेंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो क्रेडिट होंगे. तो अब पहले 15,000 ऑलरेडी ओपनिंग में पड़ा था, हमारे पास बैड डेट्स हो गए 43,650 के. इन दोनों को नेट करते हैं तो हमारे पास 28,650 का जो था वो माइनस का बैलेंस आ रहा था. हमें मज़ीद इतने की प्रोविजन की ज़रूरत थी. और साथ में उसने कहा कि ईयर एंड की जो प्रोविजन है उसको भी देखो. अब ईयर एंड के ऊपर प्रोविजन हमने कितनी क्लोज करनी है, वो कितनी करनी थी, 18,000 की. जैसे पहले तुमने तो उसने कह दिया था ना कि 1.5% तक करनी है, 1.5% तक करनी थी तो हमने कर दी थी 45,000 का. अब हमने कितनी करनी थी, अब हमने 18,000 की. अब देखो अब 18,000 की हमें क्लोजिंग चाहिए और उसको बैलेंस करने के लिए हमें 28,650 की चाहिए. तो इन दोनों अमाउंट को ऐड करके इस टाइम हम प्रोविजन कितने की क्रिएट कर लेंगे, हम $46,650 की प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे. ठीक है, अब देखो एस्टिमेटेड अमाउंट एज पर रेजिंग मेथड वो हमारे पास कितना था, $18,000, ये हमारे पास होना चाहिए. तो अब जो न्यू प्रोविजन की एंट्री आएगी वो क्या आएगी, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस फॉर यहाँ से इन दोनों को ऐड करके ये अमाउंट जब लास्ट टाइम किया था ना हम लोगों ने, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड किया था. ये 43,650 जो हमें उस टाइम चाहिए था, 45,000 क्लोजिंग में चाहिए था, दोनों को ऐड करके इतनी अमाउंट से प्रोविजन क्रिएट कर ली थी. अब हमारे साथ क्या हुआ, 15,000 शुरू में पड़ा हुआ था, इसको माइनस किया तो ये बैलेंस था, क्लोजिंग में हमें कितना चाहिए, 18,000. अब 18,000 हमें बैलेंस में भी चाहिए और प्लस हम लोगों ने इस अमाउंट को कॉम्पनसेट भी करना है. तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके 46,650 की प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे. और प्रोविजन क्रिएट करने के लिए वही वाली एंट्री यूज होगी, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. अब रिक्वायरमेंट नंबर सी चेक कर लेते हैं. रिक्वायरमेंट नंबर सी इज क्वाइट सिंपल, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन नहीं है.
प्रॉब्लम नंबर सी के अंदर वो आपसे बेसिकली ये थे, द कंपनी यूजेस द डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड ऑफ द अकाउंटिंग फॉर द अनकलेक्टेबल अकाउंट्स। अगर कंपनी डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड यूज़ करे वो तो फिर बेहतरीन तरीके का है, उसके लिए तो आपको किसी किस्म की कोई अलाउंस कोई प्रोविजन क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो जैसे कैश आ जाता है ना, जब कैश आ जाता है तभी हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ कर देते हैं। देखो कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट गुड हो गया, ठीक है। अच्छा नहीं आ रहे पैसे, नहीं आ रहे पैसे तो क्या हो गया, पैसे नहीं आ रहे तो इसका मतलब बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स हो गए तो बैड डेट्स को भी राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ कर देंगे तो राइट ऑफ करने का क्या तरीका होगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। देखो यहाँ पर हम लोग जब उसको करेंगे तो थर्ड में जब उसने कहा कुछ नहीं करना तो हमने क्या किया, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट 43650 से और अकाउंट रिसीवेबल उधर से क्रेडिट कर दिए 43650 से। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीटेड, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड के लिए कहते हैं तो फिर हमें किसी किस्म का कोई अलाउंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ना, हमें उसका ओपनिंग बैलेंस देखना है ना हमें उसका क्लोजिंग देखना है। अगर ये देखो ये राइट ऑफ हो जाए, कैश आ जाता ना, हम कहते कैश अकाउंट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, बात खत्म हो गई। नहीं ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। वो कह रहे हैं कलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे, कैश नहीं आ रहे तो फिर बैड डेट्स हो रहे हैं, बैड डेट्स हो रहे हैं तो चाहे आप इसको बैड डेट्स अकाउंट बैड डेट्स एक्सपेंस लिख के अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दें, चाहे आप इसको अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस लिख के अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दें, आपकी मर्जी है। दोनों तरीक़ों से इसको आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे साथ उसमें ग्रुप में मुझे क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। होमवर्क के लिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो 8-1, 8-2, 8-3 और 8-5, ये 5 सवाल हैं बेसिकली, जो फर्स्ट 4 हैं एक्सरसाइज में से हैं, प्रॉब्लम्स में से नहीं करा रही, एक्सरसाइज में से करा रही हूँ। एक्सरसाइज 8-1, एक्सरसाइज 8-2, एक्सरसाइज 8-3, 4 मैंने आपको करवा दी है, एक्सरसाइज 8-5। ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये आपका होमवर्क है, ये आप करके लाएंगे। ये मैं LMS के ऊपर आपके असाइनमेंट अभी क्रिएट कर रही हूँ और ये आप लोगों ने कमिंग ट्यूसडे से पहले सबमिट करानी है, ठीक है बीबी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।